इस वीडियो में आप सीखेंगे कि चॉपिंग बोर्ड कैसे बनाया जाता है। चॉपिंग बोर्ड 18 इंच लंबा और 12 इंच चौड़ा होगा। वीडियो देखें, एच टू एच जोड़ कैसे बनाएं। इसे एच टू एच जोड़ का प्रयोग करते हुए कई लकड़ियों को एक साथ जोड़कर बनाया जाएगा। जिन उपकरणों की आपको आवश्यकता होगी वे यह गुनिया, पेंसिल, फुटा, क्रॉस कटारी, हाथ की ड्रिल, मैलेट, हथौड़ी, सुम्बी, मार्किंग गेज, मार्किंग नाइफ, चौरसी, पत्ती, टी बार क्लैंप, बड़ा रंधा, गुटका रंधा, क्लैंप, शिकंजा, मोटी रेती, फाइल, रेगमाल, रेगमाल गुटका और ब्रश। जिन मटेरियल की आपको आवश्यकता होगी वे यह लकड़ियां, 10 कीले, कुछ बेकार लकड़ियां, एडेसिव और खानाई का तेल। इस डिजाइन में 1 इंच मोटी, 3 फीट लंबी और 2 इंच चौड़ी लकड़ी के 4 टुकड़ों का प्रयोग किया गया है। चरण पहला, लकड़ियां काटना। टेबल पर सभी लकड़ियों को एक साथ रखें। सभी 4 लकड़ियों के ऊपर एक सीधी लाइन खींचने के लिए गुनिये और पेंसिल का प्रयोग करें। फुटे की सहायता से 18 इंच मापे और एक सेंटर लाइन बनाएं। सेंटर लाइन से एक बार और 18 इंच मापे और एक और लाइन बनाएं। एक एक करके क्रॉस कटारी का प्रयोग करते हुए सेंटर लाइन के साथ साथ 4 लकड़ियां काटे, प्रत्येक को 2 में काटते हुए। आरी को रोकने के लिए हर बार 2 या 3 बार अपनी ओर खींचकर जीरी बनाते हुए काटना शुरू करें। टेबल पर 6 लकड़ियों को एक दूसरे के साथ रखें और सभी 6 सतहों के ऊपर वी का निशान बनाएं। लकड़ियों को एक सीध में मिलाने के समय इससे सहायता मिलेगी। जोड़े जाने वाली सतहों को समकोण बनाने के लिए बड़े रंधे का प्रयोग करें ताकि लकड़ियों को एक साथ रखे जाने पर उनके बीच कोई जगह न रहे। चरण दूसरा, निशान लगाना। उन कीलों की जगह के साथ मिलाते हुए निशान लगाएं जो लकड़ियों को एक साथ पकड़ेंगी। प्रत्येक जोड़ के लिए 2 कीलों का प्रयोग किया जाएगा। जिस हिस्से पर कील होगी उस हिस्से तक लाइन ले जाने के लिए गुनिये और मार्किंग नाइफ का प्रयोग करें। प्रत्येक लकड़ी का सेंटर ढूंढने के लिए फुटे का प्रयोग करें और मार्किंग नाइफ और पेंसिल की सहायता से सेंटर का निशान लगाएं। मार्किंग नाइफ के कांटे को सेंटर के निशान पर रखें और कीलों की जगहों पर लगे प्रत्येक निशान के साथ लाइन बनाएं। कील की जगह पर लगे प्रत्येक निशान पर हथौड़ी और सुम्भी की सहायता से शुरुआती सुराख बनाएं। अब आधी कील जाने के लिए सुराख करें। आप चौरसी की सहायता से सुराख के आसपास की सतह साफ कर सकते हैं। चरण तीसरा, लकड़ियां जोड़ना। कीलों के सिरों को आरी से काटें। बेकार लकड़ी के ऊपर 10 ग्राम रेजिन और 10 ग्राम एडेसिव का मिश्रण बनाएं। एक डंडी की सहायता से इसे अच्छे से मिलाएं। पहली लकड़ी के चिपकाने वाली सतह पर एडेसिव लगाएं। 2 कीलों को एडेसिव में डुबाएं और दोनों सुराखों के अंदर डालें। अब दूसरी लकड़ी की सतह के साथ एडेसिव लगाएं। सही से जोड़ने के लिए मैलेट से चोट करते हुए दोनों लकड़ियों को एक साथ जोड़ें। तीसरी लकड़ी को जोड़ने के लिए दूसरी लकड़ी की दूसरी ओर एडेसिव लगाएं। कीलों को रखें और मैलेट की सहायता से लकड़ियों पर एक साथ चोट करें। इन चरणों को तब तक दोहराएं जब तक आप सभी 6 लकड़ियां जोड़ नहीं लेते हैं। टी बार क्लैंप के जबड़ों में चॉपिंग बोर्ड के सिरों को कसें। बचाव के लिए बेकार लकड़ी का प्रयोग करें। इसके नीचे बटर पेपर रखना न भूले ताकि एडेसिव क्लैंप के ऊपर न निकले। फुटे की सहायता से देखें कि सभी लकड़ियां समतल और एक सीध में है या नहीं। यदि आपको उनके बीच में कोई जगह दिखाई देती है तो मैलेट की सहायता से ठीक करें।
एक गीले कपड़े की सहायता से अतिरिक्त एडेसिव साफ करें। एडेसिव को पूरी तरह से सूखने दें। आगे की प्रक्रिया जानने के लिए चॉपिंग बोर्ड कैसे बनाएं भाग दूसरा देखें।